हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई इंग्लिश. माई नेम इज हिरा. आज हम करने वाले हैं क्लास 12th NIOS का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है माई फर्स्ट स्टेप्स. माई फर्स्ट स्टेप्स जो लेसन है वो एक रिनाउंड क्रिकेटर सुनील गावस्कर की लाइफ की जो स्टोरी है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, उससे एक्सर्प्ट है, उससे निकाला गया है. और इसके जो ऑथर हैं वो खुद सुनील गावस्कर हैं. इस लेसन में वो कुछ इंसिडेंट्स का मेंशन करते हैं जो उनके क्रिकेटर बनने के लिए, किस तरह से उनकी फैमिली का योगदान था, उनके फ्रेंड्स का योगदान था, वो सब इस लेसन में बताया गया है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट TMA के अंदर भी, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. So I recommend that you understand this lesson very carefully. Let's take a look at the introduction. Aur introduction kitna interesting hai, look at this. All babies look alike. Can they be exchanged? When the nurse gives them a bath. Sare bacche dekhne mein ek jaise lagte hain. Kya wo kabhi exchange ho sakte hain jab nurse unko bath de rahi hoti hai? So this is the first incident that will be talked about in the story. Ye pehla incident hoga story ka. Objectives first. एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम ऑटोबायोग्राफी को पढ़ना और समझना सीखेंगे. इसमें कुछ कंपाउंड वर्ड्स का यूसेज है जो कि हम करने वाले हैं. सिंपल पास्ट टेंस है. एंड देन आस्क एंड आंसर सिंपल क्वेश्चंस इन स्पीच. किस तरह से हम सिंपल क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और उनका जवाब दे सकते हैं. फर्स्ट इज सेक्शन 1. आई मीन नेवर हैव बिकम अ क्रिकेटर एंड दिस बुक वुड सर्टनली नॉट हैव बीन रिटन इफ एन ईगल आईड रिलेशन मिस्टर नारायण मसूरकर had not come into my life the day I was born. कितना लंबा सेंटेंस है, बट इसको हम ब्रेक करके सीखेंगे. I may never have become a cricketer. मैं कभी क्रिकेटर नहीं बना होता. और एंड और ये बुक कभी भी नहीं लिखी गई होती. Certainly, definitely नहीं लिखी गई होती. अगर if an eagle-eyed relation, now this is a compound word, eagle-eyed relation, अब eagle-eyed, ईगल की नज़र जिस तरह से तेज होती है, उसी तरह से मेरे एक रिलेटिव थे जिनकी नज़र जो थी ईगल की आइज़ की तरह थी, और वो थे मेरे अंकल जिनका नाम था नारायण मसूरकर. अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आए होते जिस दिन मैं पैदा हुआ था, जो कि था July 10, 1949. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि उन अंकल ने ऐसा क्या किया या ऐसा क्या देखा अपनी चील की तरह की तेज नज़रों से कि अगर वो उनकी ज़िंदगी में नहीं आए होते तो क्या हो जाता. इट सीम्स, ऐसा लगता था जैसे दैट नन काका, एज आई कॉल हिम, हु हैड कम टू सी मी इन हॉस्पिटल ऑन माई फर्स्ट डे इन दिस वर्ल्ड, नोटिस्ड अ लिटिल होल नियर द टॉप ऑफ माई लेफ्ट ईयर लोब. सो मैं उनको नन काका कहता था और वो मेरे अंकल लगते थे. तो जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन मेरा फर्स्ट डे था ऑब्वियसली इस दुनिया में, तो वो मुझे हॉस्पिटल में देखने के लिए आए थे. और उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने नोटिस किया कि एक छोटा सा छेद है मेरे बाएं कान के ईयर लोब पर. ईयर लोब होता है जो हमारे कान के नीचे का हिस्सा होता है, सॉफ्ट सा, उसमें एक छेद था. वैसे ये नॉर्मली नहीं होता, बट ये एक एबनॉर्मैलिटी टाइप की थी. एबनॉर्मल हम कहेंगे इसे, क्योंकि नॉर्मली बच्चों के ऐसा नहीं होता. बट उन्होंने ये डेफिनेटली नोट करा, फिर वो चले गए. अगले दिन जब वो आए, द नेक्स्ट डे ही केम अगेन एंड पिक्ड अप द बेबी लाइंग ऑन द क्रिब नेक्स्ट टू माई मदर. और नेक्स्ट डे जब वो आए दोबारा, तो उन्होंने उस बच्चे को उठाया जो कि मेरी मदर के बराबर में लेटा हुआ था. क्रिब यानी कि कॉट में, जो पालना होता है बच्चों का. टू हिज अटर हॉरर ही डिस्कवर्ड दैट द बेबी डिड नॉट हैव द होल ऑन द लेफ्ट ईयर लोब. वो इतने ज्यादा डर गए थे कि ये बच्चा कहाँ गया. वो काला निशान जो था, वो जो छेद था, वो गायब था आज पूरी तरह से. सो अ फ्रैंटिक सर्च ऑफ ऑल द क्रिब्स इन द हॉस्पिटल फॉलोड एंड आई वॉज इवेंचुअली लोकेटेड स्लीपिंग ब्लिसफुली बिसाइड द फिशर वुमन, totally oblivious of the commotion I had caused. It's again a very long sentence. A frantic search. Frantic search मतलब बस पागलों की तरह खोजबीन होने लगी सारे क्रिब्स की, हॉस्पिटल के. और eventually मतलब मैं finally कहाँ पर था लेटा हुआ. I was sleeping blissfully.
ब्लिसफुली मतलब मैं मजे से सो रहा था, मजे लेके सो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था आसपास क्या क्या मैंने कर दिया है, तो मैं मजे लेके आराम से सो रहा था। बिसाइड मतलब बराबर में, किसके बराबर में, एक फिशर वुमन के बराबर में। टोटली ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मतलब अनजान होना, मुझे कुछ नहीं पता था। ऑफ द कमोशन, कमोशन का मतलब है उथल पुथल हो जाना, शोर शराबा हो जाना। तो ये जो उथल पुथल मैंने कॉज करी थी, मेरी वजह से हुई थी, वो उथल पुथल से मैं बिल्कुल अनजान था। आई हैड कॉज्ड The mix-up, it appears followed after the babies had been given their bath. और जो mix-up हुआ था, मुझे लगता है वो तब हुआ था जब babies को उनका bath दिया गया था। बच्चों को जब स्नान दिया गया था तो उस time पर बच्चे शायद बदल गए थे। Providence had helped me to retain my true identity and in the process charter the course of my life. प्रोविडेंस मतलब जो सूझबूझ थी, समझदारी थी, ऊपर वाले की कृपा थी मेरे ऊपर, उसकी वजह से आज मेरी सही आइडेंटिटी, अदरवाइज मैं तो उस फिशर वुमन के पास ही सो जाता और मैं उसी का ही बेटा बन जाता, और जो उसका बच्चा था वो शायद क्रिकेटर बन जाता। इस सूझबूझ की वजह से और इस ऊपर वाले की देन की वजह से मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिटेन कर पाया, मैं ट्रू आइडेंटिटी अपने पास रख पाया। कोर्स ऑफ लाइफ मतलब कि मेरी जिंदगी का क्या रूप बनने वाला है, वो स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। चार्टर करना मतलब शुरू करना, कोर्स ऑफ माय लाइफ मतलब कि मेरी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, क्या मेरा एम होने वाला है। आई हैव ऑफन वंडर्ड व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ नेचर हैड नॉट मार्क्ड मी आउट एंड गिवन मी माय गार्ड बाय गिविंग मी दैट स्मॉल होल ऑन माय लेफ्ट ईयर लोब एंड इफ नानकाका हैड नॉट नोटिस्ड दिस एबनॉर्मैलिटी। मैं अक्सर सोचता हूँ, वंडर करना मतलब सोचना कि क्या होता अगर, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ नेचर यानी कि ऊपर वाले ने, कुदरत ने मुझे ऐसा मार्क नहीं दिया होता तो मेरा क्या होता, और अगर मेरे गार्ड मुझे पहले दिन नहीं मिले होते, वो ननकाका जो थे वो मेरे लिए एक ईश्वर का वरदान समझकर मेरी लाइफ में आ गए थे, तो अगर वो होल नहीं होता और अगर ननकाका ये एबनॉर्मैलिटी नहीं नोटिस करते तो मेरा क्या होता। मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ, Perhaps, शायद, I would have grown up to be an obscure fisherman toiling somewhere along the west coast. तो शायद ऐसा ही होता कि मैं एक मछुआरा बन जाता। ऑब्सक्योर मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे कोई ना जानता हो, मतलब अनजान गुमनाम टाइप का, वहां पर मैं मेहनत कर रहा होता। टॉयलिंग मतलब मेहनत कर रहा होता, वेस्ट कोस्ट पर मतलब किसी तट के किनारे, किसी पश्चिमी तट के किनारे मैं अपनी गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा होता। जिस तरह का नाम और शोहरत आज मुझे है, वो मुझे उस टाइम पर नहीं होती अगर ये दोनों चीजें मेरी लाइफ में नहीं होती, एक तो वो मेरे कान का छेद और एक नन काका का मेरी लाइफ में उस दिन आना। एंड व्हाट अबाउट द बेबी हु फॉर अ स्पेल टुक माय प्लेस, और उस बच्चे का क्या जो थोड़े ही टाइम के लिए उसने मेरी जगह ली। फॉर अ स्पेल मतलब छोटे से टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए। आई डो नॉट नो इफ ही इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट और वेदर ही विल एवर रीड दिस बुक। मुझे नहीं पता कि वो कभी क्रिकेट में इंटरेस्ट लेगा भी या नहीं, और वो क्या कभी इस किताब को पढ़ेगा या नहीं। आई कैन ओनली होप दैट इफ ही डज ही विल स्टार्ट टेकिंग अ लिटिल मोर इंटरेस्ट इन सुनील गावस्कर। और मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ कि अगर वो कभी इस किताब को पढ़े तो शायद उसे सुनील गावस्कर की लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो जाए, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी चाहे थोड़े से टाइम के लिए सुनील गावस्कर की उसने जगह ले ली थी। सो ही मस्ट हैव बीन अ लकी मैन। तो ये सब सुनील गावस्कर खुद सोच रहे हैं। अब इसके क्योंकि इंटेक्स्ट क्वेश्चंस यहीं पर हैं, लेट्स डू द इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। सो व्हेन वाज सुनील गावस्कर बॉर्न, हाफ द आंसर यू विल टेक फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। यू विल से सुनील गावस्कर, यहाँ पर आप लिखेंगे वॉज बॉर्न, आपको बताना है वेन, वेन का मतलब कब। ऑन जुलाई 10, 1949। वॉट डिड सुनील्स अंकल मिस्टर नारायण मसुरेकर नोट when he came to see the baby in the hospital. तो सुनील के अंकल नारायण मसुरेकर ने क्या नोटिस किया जब वो उस बच्चे को देखने के लिए आए हॉस्पिटल में। उन्होंने नोटिस किया बच्चे के कान पर एक छेद है। सो यू विल राइट हाफ द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन अगेन। यू विल राइट सुनील अंकल मिस्टर नारायण मसुरेकर नोटिस्ड अ होल ऑन हिज लेफ्ट ईयर लोब व्हेन ही केम टू सी द बेबी इन द हॉस्पिटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द हॉरिबल थिंग दैट हैड हैपेंड द नेक्स्ट डे? क्या चीज, कौन सी भयानक घटना घट गई थी अगले दिन? सो यू विल राइट द हॉरिबल थिंग दैट हैड हैपेंड द नेक्स्ट डे वाज द बेबी हैड गॉट एक्सचेंज्ड विद अनदर बेबी. वेयर वाज द मिसिंग चाइल्ड फाउंड? आप अगेन यहां से लिखोगे द मिसिंग चाइल्ड वाज फाउंड स्लीपिंग ब्लिसफुली नियर अ फिशर वुमन इन द सेम हॉस्पिटल. सो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर. Next is, if Nankaka had not noticed the hole on his ear, where would he be living? Agar Nankaka ne ye notice nahi kiya hota, to wo kahan hota? He would be living as a fisherman somewhere near the west coast. So you will begin the answer from the question itself. You will write, if Nankaka had not noticed. Okay, next is, find words from the passage which mean the same. Looking at things with great attention and noticing small details. We did that. Eagle-eyed, unaware of what is happening, oblivious, अनजान होना. जब भी आप रीड करेंगे आप एक डिक्शनरी साथ रखेंगे. इफ देर आर डिफिकल्ट वर्ड्स यू आर गोइंग टू मार्क देम आउट एंड राइट देयर मीनिंग्स राइट देयर एंड देन. अननोन नॉर विल बी नोन, ऑब्स्क्योर, अनजान, जिसे कोई जानता ना हो ना कोई जानेगा. A short period is a spell. So with this we have completed section 1 and in the next video I'm going to post section 2 very soon. Take care and bye.